अच्छा वो पाकिस्तान का एरिया है, ये टाइगर हिल है। अच्छा एक टाइगर हिल है, इसपे इसी पे युद्ध हुआ था। आप सभी लोग, मैं हूँ आज द्रास में और यहाँ से लगभग श्रीनगर रह गया है 150 किलोमीटर। और मैं आज की रात में रुका था अपने अंकल जी के यहाँ, उन्होंने मुझे खाना खिलाया था और आंटी जी ने खाना खिलाया था और सुबह भी चाय पिलाई है और एक पराठा खिलाया है और पेट भर गया। अब सोचा यहाँ से निकलने के लिए आज मुझे यहाँ की यात्रा करनी पड़ेगी 150 किलोमीटर, सो की बहुत लंबी होने वाली नहीं है। ठंडी बहुत हो रही है, शाम को ना पता नहीं कोई लगता है ऐसा कोई मेरे उसने किसी ने मारा हो कैंप में। अच्छा कुत्ता होगा यहाँ पे, कुत्ता होगा। मैं खोल के देखा तो कोई नहीं, मैंने कहा कुत्ता होगा, कुत्ता होगा। रात में मैंने पता क्या आ गया और यहाँ पे मैं कैंप लगा रखा था, यहाँ पे लेटा था और ये इनका पूरा होटल है, देख रहे हो सनम होटल। और यहाँ पे आपको खाने का सब कुछ वेज मिलेगा, यहाँ पे नॉन वेज नहीं चलता है। और यहाँ हर होटल आप में जाओगे ना तो हर जगह वेज हर जगह आपको नॉन वेज मिलेगा, लेकिन यहाँ पे खाली वेज मिलता है ना, खाली वेज मिलता है। हमारे आंटी जी के यहाँ वेज मिलता है। और आप हैं कहाँ से? हम नैनीताल के। नैनीताल से हैं? अच्छा अच्छा, कौन सा जिला है आपका? उत्तराखंड नैनीताल। अच्छा जिला नैनीताल ही है। अच्छा नैन सिटी में, सिटी में रहते हैं? देखो भाई सिटी में रहते हैं। मैंने आंटी जी से बोला है मैं नैनीताल जब भी आऊंगा तो आपके यहाँ मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि अभी तो मैं जा रहा हूँ श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर और उसके बाद पंजाब और गुजरात हरियाणा राजस्थान। सो भाई देख रहे हो हमारे अंकल जी का होटल, मैं आपको दिखा रहा हूँ, छोटा सा होटल, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो आप भी एक बार आइए और यहाँ का वेज खाना खा के देखिए, बहुत पराठे बहुत मस्त बनाते हैं इतना पता है, मैं पराठे खा चुका हूँ। और यहाँ पे देखो बैग रखा है, मैंने मोबाइल चार्ज कर लिया, सब कुछ चार्ज कर लिया, मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। तो आंटी जी चलो, अच्छा हम चलते हैं, चलो दोस्तों शुरू करते हैं। भाई अब आ गए हाईवे पे बिल्कुल और गांव क्रॉस कर दिया है। यहाँ पे यार ऑक्सीजन नहीं मिलती, बहुत दिक्कत हुई ऑक्सीजन के लिए। देख लो हर तरफ बर्फ के लिए आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पे हुआ था 199 का युद्ध हुआ था, जो आपको बड़ा पहाड़ दिख रहा है इसके पास में ही पूरा आर्मी का छावनी है। और ये नदी जा रही है सीधे पाकिस्तान, बहुत पानी जाता है यार पाकिस्तान यहाँ से। चलो देखते हैं यार क्या होता आज। चलो भाई पहले लिफ्ट मुझे भाई ने दी है, बिना बोले कुछ भी नहीं बोला मैंने, मैं जा रहा था और भाई द्रास के बॉर्डर पे जो यहाँ पे पूरा आर्मी का छावनी है यहाँ पे मुझे मिले। इन्होंने बोला कि भाई चलो मैं आपको आगे छोड़ देता हूँ, तो मैंने कहा चलो चलते हैं, यहाँ पर चलते चलते थक जाते हैं कभी कभी, तो कोई अगर लिफ्ट देता है तो ले भी लेते हैं। और भाई आप कहाँ से हैं? हम तो यहीं द्रास से हैं। मैं आज द्रास में रात में रुका था। कहाँ पे रुका था? ये जो वो मस्जिद है ना, मस्जिद के इधर जो उनका कमेटी का बना है जो, वहीं पे मैंने टेंट लगाया था और एक आंटी जी ने वहीं पे खाना खिला दिया था और वहीं पे उन्होंने रहने के लिए दे दिया। अच्छा वो पाकिस्तान का एरिया है? अच्छा ये टाइगर हिल है। अच्छा एक टाइगर हिल है, इसपे इसी पे युद्ध हुआ था? इसी पे 1999 में यहीं पे वॉर हुआ था, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में यहीं पे बिल्कुल पास में खड़े हैं। यहाँ से ऐसा कोई बॉर्डर नहीं जहाँ से हम पाकिस्तान का वो देख सकते हैं। अच्छा ऊपर चढ़ना पड़ेगा भाई, ऊपर नहीं चढ़ना, ऊपर चढ़ने के लिए मुझे ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी ऊपर बहुत। चलो भाई चलते हैं, 13 किलोमीटर की लिफ्ट दिए भाई ने, थैंक यू भाई, चलो चलते हैं। भाई भाई यार लिफ्ट तो भाई ने दी 12-13 किलोमीटर की, लेकिन आगे दिक्कत हो जाएगी लगता है, आगे एक गाड़ी भी नहीं जा रही है और रास्ता तो ऐसा है कितने सुनसान है, बर्फ़ का पहाड़ है और ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं, यहाँ पे सांस चलने लगती है। और इधर देखो हर जगह पहाड़ ही है यार, बहुत दिक्कत होगी आगे। यहाँ से श्रीनगर 129 किलोमीटर है अभी, यानी कि 129 किलोमीटर मुझे यात्रा करनी है और जिसमें से मुझे लिफ्ट लेनी पड़ेगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी भाई, क्योंकि यार चाइना पाकिस्तान का बॉर्डर भी है ना, ये बॉर्डर इधर इस पहाड़ की उधर है पाकिस्तान, पता चले ऊपर है मारे धाएँ बोले हैं। चलो वैसे यहाँ पे इंडियन आर्मी है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो यहाँ पे खेती भी होती है, ऐसी बात नहीं है लगता है इधर कि काहे का हो रहा है, आलू हो रहा है जाने क्या यार, आलू ही लग रहा है मुझे तो। चलो भाई लिफ्ट मिल गई डायरेक्ट श्रीनगर के लिए, लेकिन हमारे भाई को थोड़ी दिक्कत हो गई है, देखो पुलिस वाले हैं वहाँ, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, उसे भगा रहे हैं वहाँ से।
किसी से, जो यहाँ का जो ड्राइवर है ना वो किसी से बात करवा रहा है उनसे, पता नहीं कागज नहीं है क्या। देखो वो रहे पुलिस वाले वहाँ पे बैठे हैं। पता नहीं क्या बोल दिया यार भाई को, बीचों बीच पहाड़ में लाके खड़ा कर दिया, यहाँ पे पुलिस चौकी है और जब आके तभी जाने देंगे, तभी इससे पूछते हैं भी क्या बात है। इससे यहाँ तो हर जगह बर्फ ही बर्फ है यार, देखते हैं भाई क्या। चलो भाई लगता है जाने नहीं दे रहे आगे के लिए, देखो यहाँ पे पूरा ग्लेशियर ग्लेशियर है। क्या हो रहा है यार ये, हमें लगता है यहाँ पे कुछ पहाड़ तोड़े जा रहे हैं क्योंकि तो यहाँ पे इन्होंने कल छोड़ेंगे यहाँ से। इस टाइम पे हम लद्दाख पुलिस में हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्मी का कैंट भी है, लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान पे शायद गोले दागे जा रहे हैं भाई। यार ऐसी जगह पे आ गए हैं आज, लगता है यहाँ पे ना खाना है ना पीना है। गाड़ी तो जा रही है उधर यार, यहाँ से ये गाड़ी कल छोड़ेंगे 2 बजे बता रहे हैं कल के लिए, और मैं आज जा देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे, वहाँ रुकेंगे रात में। वैसे यहाँ डाका जा रहा है, लगता है पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। तो ये इधर आर्मी कैंट एरिया है और यहाँ पे पूरी पुलिस यहाँ पे स्टेशन है। बहुत कम गाड़ी छोड़ते हैं तो इन्होंने सबको जाम लगा रखा है कि छोड़ेंगे नहीं जब तक यहाँ पे सिंगल रोड है ना, डाका जा रहा है। पता नहीं क्या होगा क्या हो रहा है, पाकिस्तान का बॉर्डर है पास में, डाका किया जा रहा है बाहर तो जा रहा है क्या यार। देखो ये आर्मी की छावनी है और टोटल यहाँ पे पहाड़ है पूरे बर्फ के, क्या डाका किया जा रहा है समझ नहीं आ रहा। मैं हथगोले दागे जा रहे हैं पहाड़ तोड़ने के लिए, पूछते हैं किसी से। अंकल जी ये क्या है यहाँ पे दागा क्या जा रहा है, ये किसकी आवाज आ रही है जो बांधगोला ऐसे दागे जा रहे हैं। बम ये कहाँ पे दाखे जा रहे हैं, पाकिस्तान साइड। हाँ भाई ऐसी जगह आ गया हूँ आज, कभी सोचा नहीं होगा आपने यहाँ हम आ जाएंगे। देख रहे हो कितनी बर्फ है यार, 20-20 फुट की बर्फ यहाँ पे है और आज हम यहाँ आ गए हैं चोचीला, जो कि पहले बता देते हैं यहाँ पे। देखो जो जिला स्टार्ट हुआ है उतना आगे जा रहा है, आपको बर्फ मिलने वाली है भाई। वीडियो मुझे प्लीज़ लाइक करना, शेयर करो, क्योंकि ऐसी बर्फ आपको कभी नहीं देखने मिलेगी जैसे मैं दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ से जा रहा हूँ चलो भाई आ गए सोनमार्ग और यहाँ से लिफ्ट लेंगे सीधे श्रीनगर के लिए। कोई बैठा लेता तो अच्छी बात है, नहीं तो यहीं यार रात में कैंप लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आर्मी भी है, देख रहे हो पूरा आर्मी की छावनी है, यहाँ से वहाँ से शुरू से लेके यहाँ से समझो आपको आर्मी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, हर जगह आर्मी 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 मिलोगे आपको। इतनी बर्फ़ पड़ रही है यहाँ, पूछो नहीं यार दिमाग ख़राब हो गया बर्फ़ से। सोनमार्ग आ गए हैं, सोनमार्ग पार करके फिर मुझे पड़ेगा श्रीनगर यानी कश्मीर, फिर हम जाएंगे कल। आज की रात मुझे जहाँ तक किसी भी हालत में रुकना है सोनमार्ग में, और उसके आगे देखते हैं यार क्या, अगर कोई लिफ्ट देगा तो अच्छी बात है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी।
यार लिफ्ट ज़्यादा जल्दी देते नहीं लोग हैं ना, इसीलिए। चलो भाई देखो सोनमार्ग के ये नज़ारे, ये पहाड़ियाँ, ये वादियाँ और ये देखो बर्फ़ के पहाड़, कैसे लगे आपको हमें ज़रूर कमेंट में बताएं, क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। ऐसे पहाड़ दिखाने का आपको बस एक ही जरिया बना रखा है कि आप लोग देखो और कमेंट करो और हमें भी अपना प्यार दो, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करोगे हमको कोई लाभ होने वाला नहीं है। और ऐसे पहाड़ आपको कहाँ देखने को मिलेगा, हमारे सिवा कौन दिखाएगा बताओ। अच्छा आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो नहीं देख रहे हो कहाँ से कहाँ पहुँच गया आज। हाँ भाई जोजिला पार कर दिया, जोजिला में यार उन्होंने आर्मी वालों ने गाड़ी भी बिठा दिया, उन्होंने कहा भाई यहाँ नहीं जाना पैदल। मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं, वहाँ बर्फ 25 से 30 फुट थी ना, इसलिए उन्होंने बैठा दिया कि भाई यहाँ मत बैठना और आप आगे चले जाओ। तो उन्होंने मुझे गाड़ी पर बैठा दिया, मैं सीधे आ गया सोनमार्ग में और सोनमार्ग से जाऊँगा सीधे, जो कि सीधे जाऊँगा मैं श्रीनगर। श्रीनगर यहाँ से 80 किलोमीटर है। अब अगर लिफ्ट मिल गई तो इन्हें बगैर बिठा लिया तो हम पहुँच जाएँगे श्रीनगर, नहीं तो आज की रात यहीं पर बितानी पड़ेगी। वैसे यार होटल वगैरह तो हैं, कल भी 70 रुपये मेरे ख़त्म हो गए, आज भी लगता चला जाएंगे। यार यहाँ कोई खाने के लिए नहीं पूछता, यही दिक्कत, बस और कोई दिक्कत नहीं है। खाने का अगर कोई खिला देता तो अच्छा रहता है। और यार एक बार ने रुपये दिए थे 400-500, वो भी लगता है कल 70 रुपये ख़त्म हो गए मेरे और आज भी यार लगता ख़त्म हो जाएंगे। अगर गुरुद्वारा पहुँचा तो बच जाएंगे, नहीं तो ख़त्म हो जाएंगे भाई। लेकिन यार यात्रा करने लग आता मज़ा है बहुत, देख रहे हो लोग गाड़ी लेके चले जाते हैं लिफ्ट में, लोग कहते हैं हंसते कि वो मैं क्या करूँ मुझे हंसी आती है। तो यार देखो सोनमार्ग की खूबसूरती यार कुछ अलग का नज़ारा दे रही है, जी करता है यही रुक जाए। चलो भाई आगे चलते हैं। चलो भाई फाइनली आ गए कश्मीर में और कश्मीर में एंटर हो गए हैं। अब हम आज की रात रुकने वाले हैं, आप देख सकते हैं हमने कैंप लगाया है यहाँ पे और सामने होटल है। अब इस होटल में खाना मिल जाएगा आज, एक भाई मिले थे उन्होंने मुझे लिफ्ट दी थी खाने के लिए, यहाँ आज बोल दिया है। और वैसे बोला तो रुकने के लिए भी, लेकिन यहाँ के जो और कोई लोग हैं ना उन्होंने नहीं रुकने दिया, वो इसलिए नहीं रुकने दिया कि वो बोल रहे थे अगर रात में कुछ तुम्हें हो गया बाद में हम टेंशन में पड़ेंगे, आर्मी हमें मारेगी, तो भाई आप यहाँ नहीं, आप यहाँ रुको। हमने कहा कोई टेंशन नहीं, आर्मी से बहुत यहाँ के लोग डरते हैं, क्योंकि आर्मी ये नहीं जानती है कि अपने दोस्त का आर्मी का ये कहना नहीं है कि अपने क्यों रोका, उसका खाली ये कि ये यहाँ पे इसका कैसे क्या हुआ, तो इसलिए ना मुझे मना कर दिया। वैसे कमरे में बैठा था आधा घंटा और खाना मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मैं लेता हूँ। और बाकी कश्मीर के लोग भी अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ से भी आए हैं तो वो तुरंत ही खाने के लिए बोल दिया। और बहुत ना कि कश्मीर में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सो आराम से यात्रा कीजिए, आप भी आइए और हम भी आज यहाँ पर लगाया है। आज मेरा पहला काम कश्मीर में, फर्स्ट नाइट, हाँ देखते हैं पहली नाइट कैसी गुजरती है। चलो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।